दोस्तों ये मूवी मिन नाम के एक आदमी की है जो गलती से एक ऐसे कबीले में पहुंच जाता है जहां सिर्फ औरतों का राज था और मर्दों को वहां पर गुलामों की तरह रखा जाता था और उनका काम सिर्फ औरतों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करने का था। अब क्या मिन इस कबीले में से खुद को बचाकर निकल पाता है या उसे भी बाकी आदमियों की तरह गुलाम बना लिया जाता है, यही हम देखेंगे आज की इस मूवी में। तो मूवी की शुरुआत मिन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो कि एक नंबर का लड़कीबाज था। मिन इतना चालाक था कि उसका एक साथ चार चार लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। आगे हम देखते हैं कि मिन होटल में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, उसी वक्त उसे उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जो कि अपने घर पर उसका इंतजार कर रही थी। अब क्योंकि मिन को उससे भी मिलना था इसलिए वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड से कहता है कि मेरे डैड का फोन आया है और वो बहुत ज्यादा बीमार है इसलिए मुझे उनके पास अभी जाना होगा, लेकिन दूसरी वाली के पास जाने से पहले वो पहली वाली के साथ फिर से इंटीमेट होता है, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले मिन अपनी गर्लफ्रेंड के पर्स में से कुछ पैसे निकाल लेता है और उन पैसों से अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए प्रोटेक्शन खरीदता है। फिर रात को मिन अच्छे से रेडी होकर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचता है, लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि घर में पूरा अंधेरा है। मिन को लगता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड उसे सरप्राइज देना चाहती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड एक बेसबॉल बैट लेकर आती है और उसे उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब मिन को होश आता है तो वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है। वो देखता है कि उसके अंडरवियर को छोड़कर उसके बाकी के सारे कपड़े उतार लिए गए हैं। फिर वो अपने अंडरवियर की जेब में हाथ डालता है जहां पर उसे प्रोटेक्शन का पैकेट और उसकी चारों गर्लफ्रेंड की एक फोटो मिलती है, जिसका मतलब था कि उसकी चारों गर्लफ्रेंड को मिन के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उन सभी ने मिलकर उसको सबक सिखाने का ये प्लान बनाया था। अब ये देखकर मिन गुस्से में पागल हो जाता है, जिसके बाद वो रेगिस्तान में इधर उधर घूमकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अब काफी देर तक ऐसे ही घूमने से उसे हेलोसिनेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वो रेत को पानी समझकर पीने लगता है। उसी वक्त उसके पास कुछ लड़कियों का ग्रुप आता है जिसकी लीडर का नाम तालिया होता है। अब वो मिन को इस तरह से घूर रही थी, जिसे देखकर मिन को लगता है कि शायद वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसलिए वो तालिया के पास जाता है और उसके मुंह से नकाब उतार देता है। लेकिन ये देखकर वहीं पास में खड़ी एक लड़की मिन के सर पर भाला मारती है और उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो सभी लड़कियां मिन को बांधकर उसे अपने कबीले में ले जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लड़कियां जिस कबीले में रहती थी उस कबीले का नाम फॉक्स कबीला है और उस कबीले में सभी औरतें ही रहती थी। यहाँ पर आदमियों को गुलामों की तरह रखा जाता है और औरतें उन पर हुक्म चलाती हैं। आदमी यहाँ पर औरतों की सेवा किया करते थे और उन्हें रात को संतुष्ट किया करते थे, लेकिन अगर कोई भी आदमी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता था तो ये औरतें उन्हें मारकर खा जाती थी। फिर कबीले में ले जाकर मिन को बाकी लोगों की तरह एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन मिन के पास चैन नाम का एक आदमी आता है। वो उसे बताता है कि कुछ सालों पहले वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर इन लड़कियों पर रिसर्च करने आया था, लेकिन इन औरतों ने मेरे सभी साथियों को मार डाला, जिसके बाद वो मुझे भी मारने वाली थी, लेकिन यहाँ की एक प्रीस्ट ने मुझे इनसे खरीद लिया। फिर जाने से पहले वो कहता है कि आज रात यहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला है जहाँ पर ये औरतें कुछ आदमियों की बलि देंगी। फिर रात को जब सभी औरतें मिन को लेने आती है तो उनको देखकर वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है ताकि वो औरतें उसे पागल समझकर छोड़ दें, लेकिन इससे उन औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बांध कर दूसरे आदमियों के साथ घसीटते हुए स्टेज तक ले जाती है। इसके बाद वहाँ पर गाँव की जारन हिला आती है जो कि एक एक करके उन आदमियों के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है। अब ये देखकर मिन घबरा जाता है और तब उसे पता चलता है कि यहाँ बलि का मतलब ये होता है। आगे जब उसकी बारी आती है तो रानी उसके प्राइवेट पार्ट को काटने से मना कर देती है, क्योंकि रानी को लग रहा था कि मिन ही वो लड़का है जो उसकी प्यास को बुझा सकता है, जो कि बाकी का कोई भी आदमी नहीं बुझा सकता। फिर उसी रात मिन को रानी को संतुष्ट करने के लिए उसके कमरे में भेजा जाता है। रानी उसको देखकर कहती है कि जल्दी मेरे पास आओ। अब ये सुनकर मिन खुश हो जाता है और सोचता है कि आज तो से रानी के साथ इंटीमेट होने का मौका मिलेगा, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती है और वो मिन को पकड़कर नीचे लिटा देती है, जिसके बाद वो सभी लड़कियाँ मिलकर उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है। फिर अगली सुबह हम मिन को देखते हैं जो कि लंगड़ा कर चल रहा था। अब उसकी ऐसी हालत देखकर चैन उसके पास आता है और वो उसे अपनी मालकिन के पास उसका फ्यूचर देखने के लिए ले जाता है। अब मिन को देखकर वो औरत कहती है कि अगर तुम 3 महीने के अंदर महारानी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे प्रेग्नेंट कर देते हो तो भी तुम नहीं बचोगे, तुम्हें फिर भी मार दिया जाएगा। अब बेचारे मिन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में उसकी मौत तो पक्की थी। फिर इसके बाद मिन को पता चलता है कि इस गांव में आदमियों की हालत इतनी बुरी है कि कुछ सड़ी हुई सब्जियों के बदले भी आदमियों का सौदा कर दिया जाता है।
अब आदमियों के साथ होने वाले ऐसे बर्तावों को देखकर मिनचैन के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वो उससे कहता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें कैसे भी करके इन औरतों का विश्वास जीतना होगा। अब मिन दिखने में तो काफी हैंडसम था, इसलिए उससे विश्वास था कि वो इस काम में जरूर सफल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रानी की सेनापति आकर उससे कहती है कि दुश्मन कबीले की सेना हमारी तरफ बढ़ती जा रही है। अब ये सुनकर रानी कहती है कि गांव के बॉर्डर पर लड़कियों को तैनात कर दो और अगर दुश्मन के कबीले में से कोई भी हमारे गांव में आता है तो उन सभी को मार डालो। फिर रात को हम मिन को देखते हैं जो कि महारानी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी सेवा करने का नाटक करने लगता है। अब महारानी को भी सेवा में चरम सुख की प्राप्ति मिल रही थी। अब इसका फायदा उठाते हुए मिन महारानी से कहता है कि हमें अपने गांव में ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए ताकि यहां की औरतें और भी ज्यादा खूबसूरत बन सके। अब महारानी भी उसकी बातों में आ जाती है और वो उसे ब्यूटी पार्लर खोलने की परमिशन दे देती है। दरअसल मिन ब्यूटी पार्लर के जरिए गांव की औरतों का विश्वास जीतना चाहता था। फिर अगले दिन मिन और चैन मिलकर एक पुरानी सी जगह को ठीक करते हैं और उसे एक ब्यूटी पार्लर में बदल देते हैं। फिर कुछ देर बाद उसके पार्लर पर उनके कबीले की सबसे बदसूरत लड़की आती है, लेकिन इसके बाद भी मिन और चैन मिलकर उस लड़की का ऐसा मेकओवर करते हैं कि वो बदसूरत लड़की एकदम खूबसूरत बन जाती है। अब उसकी खूबसूरती को देखते ही गांव की बाकी औरतें भी पागल हो जाती है। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि मिन गांव की लड़कियों के बीच में पॉपुलर हो जाता है और जो भी पैसा मिन लड़कियों से कमाता था वो सारा पैसा वो महारानी के ऊपर उड़ा देता था ताकि महारानी को इम्प्रेस कर सके। फिर एक दिन वो डिनर के वक्त महारानी से कहता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन महारानी उसकी बातों में नहीं आती और उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। वो कहती है कि तुम एक आदमी हो और तुम्हारी यहाँ पर कोई औकात नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर एक औरत भागती हुई आती है और महारानी से कहती है कि एक बच्ची कुएं में गिर गई है, हमने उसे बाहर तो निकाल लिया लेकिन उसे होश नहीं आ रहा। अब ये देखकर मिन जल्दी से उस बच्ची को पकड़कर उल्टा लटका देता है जिससे उसका सारा पानी बाहर आ जाता है और वो होश में भी आ जाती है। अब ये देखकर गांव की औरतें उससे बहुत खुश होती है और उसे इस गांव का हीरो बना दिया जाता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि मिन को गांव की औरतों से इज्जत मिलना शुरू हो जाती है और ऐसा पहली बार हो रहा था कि औरतें किसी आदमी को इतनी इज्जत दे रही थी। फिर एक दिन जब महारानी अपनी औरतों से बातें कर रही थी तभी वहां पर सेनापति आती है और महारानी से कहती है कि वुल्फ कबीले के लोग हमारे बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। अब ये सुनकर महारानी और बाकी लोग मिलकर उस कबीले को रोकने के लिए बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वोल्फ कबीले को देखते हैं जिसके आदमी आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खत्म कर रहे थे। उधर मिन और चैन मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि कल जब ये दोनों कबीले आपस में लड़ रहे होंगे तभी हम चुपके से यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद अगले दिन महारानी अपनी सेना के साथ दुश्मन को मारने के लिए बॉर्डर पर जा रही होती है, लेकिन तभी दुश्मन सेना पहाड़ से उन पर हमला कर देती है जिससे महारानी के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो वापस गांव की तरफ भाग जाते हैं। उधर मिन और महारानी भागकर एक पहाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं। अब यहाँ पर मिन और महारानी एक दूसरे को प्यार करने लगे थे जिसके बाद दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब वो दोनों गांव में वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि गांव के सभी लोग बीमार पड़ चुके हैं क्योंकि उन्होंने कुएं का पानी पी लिया था जिसको कल रात दुश्मन सेना ने जहरीला बना दिया था। उसी वक्त वहाँ पर चैन आता है और मिन से कहता है कि तुम कल रात को यहाँ से भागे क्यों नहीं। अब ये सुनते ही महारानी को लगता है कि वो उसके साथ धोखा कर रहा था, इसलिए वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी महारानी उसे मारने की बजाय उन दोनों को कबीले से बाहर निकालने का आदेश देती है। फिर वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे लेकिन तभी मिन को एहसास होता है कि उन कबीले वालों को उसकी जरूरत है, इसलिए वो चैन से कहता है कि हमें अपने कबीले में वापस जाना होगा। लेकिन चैन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं वापस नहीं जाने वाला, लेकिन मिन ने उस कबीले में जाने का फैसला कर लिया था इसलिए वो जल्दी से उस कबीले की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वोल्फ कबीले की सेना फॉक्स कबीले पर हमला कर देती है और वो लोग उन औरतों को मार कर अपना गुलाम बनाने लगते हैं। वहीं फॉक्स कबीले की औरतें अपना पूरा जोर लगा कर उनसे लड़ने की कोशिश भी करती है लेकिन वो उन आदमियों से नहीं जीत पाती। अब सभी औरतें उन आदमियों के आगे हार मानने ही वाली थी कि तभी वहां पर सफेद घोड़े पर बैठकर मिन आ जाता है जिसके बाद मिन वोल्फ कबीले के लीडर को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। अब वो लीडर भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। अब शुरू में तो मिन पागलों की तरह मार खाता है लेकिन फिर बाद में वो पूरी हिम्मत करके वोल्फ कबीले के लीडर को मार डालता है। अब सीन यहां से शिफ्ट होता है और कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि फॉक्स कबीले में सब कुछ ठीक हो चुका है और कुछ दिनों बाद उन लोगों को खबर मिलती है कि महारानी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो मिन का है। अब जैसा कि उस ने बताया था कि अगर उसने महारानी को प्रेग्नेंट कर भी दिया तब भी मिन को मार दिया जाएगा, इसलिए अब सभी मिलकर मिन की वली देने के लिए उस स्टेज पर चढ़ाने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।